फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बेबी गर्ल्स कार्डिगन की मेजरमेंट जो कि एक से लेकर दो साल तक की बेबी के लिए है ये मैंने थ्री प्ले उनसे बनाई है और इसमें जो डिज़ाइन है वो मैंने एक वीडियो में आपको बताई है इससे पहले जो कार्डिगन मैंने बनाई है वो छः से, से लेकर आठ साल तक की बेबी गर्ल्स के लिए था तो सेम डिज़ाइन है बस फंदे का थोड़ा सा फर्क है और लेंथ का तो आज मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊंगी इसमें मैंने कितने फंदे लिए हैं कितना लंबाई रखा है और गले की कटाई जो मैंने की है और यहाँ पर ये भी मैंने बी गला बनाई है इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसकी मेजरमेंट तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम बैक साइड देखेंगे बैक साइड में मैंने यहाँ पर बॉर्डर में सिक्सटी एट फंदे डाले हैं डिजाइनर बॉर्डर बनाई है सेम बॉर्डर बनाई है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई है और ये गर्ल्स के लिए मैंने बनाई है आप अगर बॉयज़ के लिए इसी कार्डिगन को सेम प्रोसेस से बनाना चाहती है तो बस आप डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दीजिए या फिर आप चाहे इसमें जो ये ऊन है थोड़ा सा इसको भी चेंज कर सकती है जैसे मैंने दोनों ही कलर लाइट रखा है अगर आप बॉयस के लिए बनाना चाहती है तो दोनों ही कलर जो है आप डार्क या फिर डार्क और लाइट में भी बना सकती है तो अब इस बॉर्डर को मैंने कितना लंबा बनाई है देखिए इंच टेप से मैं आपको बता देती हूँ लगभग मैंने डेढ़ इंच का इस बॉर्डर को बनाई है ये एक सीधे एक उल्टे का ट्विस्टेड बॉर्डर है जो हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया है सिक्सटी एट फंदे है सिक्सटी एट फंदे में मेरी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से एडजस्ट हो गई है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इवन नंबर के फंदों पे अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैंने इसकी जो बॉर्डर से लेकर मुद्दे तक लंबाई है वो कंप्लीट की है और ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ आठ सलाई के डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है अगर डिज़ाइन की वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पर भी इसमें आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन की जो वीडियो है वो अब बॉर्डर से लेके मुद्दे तक की जो लंबाई मैंने रखी है यहाँ से देखिए इन सी से मैं आपको दिखा देती हूँ बच यहाँ से हम रखेंगे और ये देखिए लगभग ग्यारह इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है थोड़ा सा ये लॉन्ग बनेगी क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं हैंडमेड अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएं ताकि बच्चा एक दो साल आराम से पहन ले क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक प्रोजेक्ट बनाने में तो ये ग्यारह इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और अगर मैं डिज़ाइन के हिसाब से बताऊँ तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात डिजाइन की डिब्बी कंप्लीट होने के बाद जो आठवें डिज़ाइन की स्टार्ट हुई है पहली सिलाई वहाँ से ही मैंने इसकी मुद्दे की कटिंग की है मुद्दे की जो कटिंग मैंने की है वो तीन दो एक की की है दोनों साइड से यहाँ से तीन फिर यहाँ से तीन फिर यहाँ से दो यहाँ से दो फिर एक फिर एक इस तरीके से दोनों साइड से हम तीन दो एक की कटिंग करेंगे और सिक्सटी एट फंदे में से अगर हमारी जो फंदे हैं गटते हैं वो तीन दो एक इस तरफ तीन दो एक इस तरफ तो छः फंदे इस तरफ से और छः फंदे टोटल बारह फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए और बाकी सिक्सटी एट फंदे में से बारह फंदे अगर हम माइनस करेंगे फिफ्टी सिक्स फंदे और फिफ्टी सिक्स फंदे को हमने इसी डिज़ाइन डालते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक जो शोल्डर तक की लंबाई है वो मैंने कंप्लीट की है तो देखिए ये शोल्डर की जो लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर सलाई से मैंने यहाँ पर टोटल बत्तीस सलाई थर्टी टू सलाई बनाई है और टोटल बनाई है उसके बाद मैंने गला घटाया है कि ये इस तरीके से गुलाई में अगर हम देखें इसकी जो लंबाई है इंच टेप से ये सात इंच है देखिए ये लगभग सात इंच इसकी टोटल गलाई में लंबाई आई है और गले की मैंने कटाई की है तो से आ, से या सारे से इंच बनाने के बाद इसमें मैंने गला घटाया है बैग गला बैग गला मैं थोड़ा सा घटाती हूँ ताकि ये जो बॉर्डर है गले की वो बिल्कुल उभरन हुआ ना आए बस थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग के साथ आए इसलिए मैं बैग गला कटाई है और मैंने बैग गला जो है यहाँ पर फंदे कितने घटाए देखिए जितने फंदे आपके बचते हैं उसको पहले आप हाफ ऑफ कर लीजिए और उसके बाद शोल्डर के फंदे निकाल लिए शोल्डर के फंदे पहले मैंने यहाँ पर सोलह फंदे रखे हैं दोनों साइड से और उसके बाद बचते हैं हमारे जितने फंदे उसको मैंने डिवाइड किया है डिवाइड हम कैसे करेंगे देखिए पहले हम शोल्डर के सोलह सोलह फंदे माइनस करेंगे जैसे सोलह सोलह फंदे जो है सोलह प्लस सोलह टोटल बत्तीस थर्टी टू फंदे हैं और उसके बाद बचते हैं यहाँ पर ट्वेंटी फोर फंदे एक सेट की कटिंग करेंगे जैसे कि हमने मुद्दे पे की है तीन दो एक और बाकी बचते हैं दो छः फंदे तो यहाँ पर बारह फंदे हम घटाएंगे छः तीन दो एक इस तरफ से घटाएंगे उसके बाद फिर से छः तीन दो एक इस तरफ से घटाएंगे और उसके बाद जो फंदे हैं वो हमारे शोल्डर के सोलह सोलह फंदे हैं और यहाँ पर जो कटिंग हुई है सिर्फ आठ सिलाई में ये गला कट के कम्प्लीट हुई है तो अब आ जाइए ये, ये फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट में हम देखें ये मैंने बी गला कटाया है इसमें तो फ्रंट पार्ट पहले आपको देखने हैं बैक पार्ट में आपने कितने फंदे लिए हैं और फिर उसका आधा करना है और प्लस बटन पट्टी के लिए थोड़े से फंदे हमें डाल लेने हैं तो बैक पार्ट में मैंने 68 फंदे डाले हैं और 68 एट का अगर हम हाफ करते हैं तो 34 फंदे हमारे एक पल्ले के लिए है और प्लस बटन पट्टी के लिए जितने फंदे आपको डालने हैं उतना आप डाल लीजिए मैंने यहाँ पर सात फंदों की बटन पट्टी रखी है तो टोटल तो जो यहाँ पर फंदे हैं मेरे 41 फंदे एक पल्ले में है मेरे और 41 फंदे एक पल्ले में तो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया है बटन पट्टी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं अगर आपको चौड़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ा और फंदे डाल के इसको चौड़ा भी कर सकते या फिर इतना जो है आप रख सकती है तो यहाँ पर बटन होल हमें बनानी है तो प्यौड़ी का जो राइट साइड का पल्ला है उस पर हम बटन लगाएंगे तो वो पहले हम कम्प्लीट करेंगे उसके बाद हम ये लेफ्ट साइड का पल्ला बनाएंगे क्योंकि हमें बराबर बराबर हिस्से में इसमें बटन होल भी बनानी है देखिए मैंने पाँच होल बनाई है और छोटे बटन इसमें लगाई है क्योंकि ये छोटे बच्चे का है तो उसके बाद ये जो इसकी लंबाई हम कंप्लीट करेंगे जितना हमने बैक पार्ट पे की है उतना ही हम फ्रंट पार्ट में करेंगे और प्लस हम बस इसमें थोड़ा सा गला जो है थोड़ा डिफरेंट कटाएंगे अगर आपको गोल गला बनाने है तो उसकी कटिंग अलग तरह की जाती है और अगर आपको बी गला कटानी है तो इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं ये यहाँ पर मैंने तीन दो एक की कटिंग की है और साथ साथ मैंने यहाँ पर गला भी बी गले की कटिंग भी की है यहाँ से मैंने कटिंग की है बस बटन पट्टी में जो ये होल मैंने बनाई है थोड़ा ऊपर बनाई है ताकि ये गला थोड़ा छोटा आए बच्चे के गले में बिल्कुल जो है चेस्ट तक ये खुला ना रहे थोड़ा सा ऊपर रहे ज्यादा नहीं कम से कम छः सिलाई की है, मैंने गैपिंग देखे फिर बटन होल बनाई है लेकिन इसकी जो कटिंग मैंने की है वो बिल्कुल मुद्दे से स्टार्ट की है यहाँ से एक फंदा मैंने सीधे साइड से कटाया है उसके बाद तीन फंदा उल्टी साइड से मुद्दे के लिए कटाया है फिर सीधे साइड से एक फंदा गले के लिए कटाया फिर दो फंदा कटाया मुद्दे के लिए फिर सीधे साइड से एक फंदा यहाँ से घटाया फिर एक फंदा मुद्दे के लिए घटाया तो तीन फंदे लगातार हमने घटाए और तीन ही फंदे हमने यहाँ पर बैक गले के लिए घटाए हैं बी गले के लिए और उसके बाद यहाँ पर हर तीसरी सिलाई में मैंने एक एक फंदा घटाया है इसकी लुक कुछ इस तरीके से है देखिए दो सिलाई की गैपिंग दिया फिर एक फंदा घटाया फिर दो सिलाई गैपिंग दिया फिर एक फंदा घटाया इस तरीके से करते हुए मैंने तो इसकी लंबाई कंप्लीट की और टोटल शोल्डर पे जो फंदे हैं वो सोलह फंदे हैं और अगर आपके फंदे यहाँ तक गट जाते हैं लंबाई कंप्लीट नहीं होती है तो आप इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए उसकी लंबाई कंप्लीट कर सकती है और उसके बाद देखिए ये डिज़ाइन की जो डिब्बी है वो आठ सिलाई की कंप्लीट होने के बाद मैंने लाइट पिंक कलर से दो सिलाई इस तरफ से बनाई है सीधा उल्टा करते हुए और बैक पार्ट में भी मैंने दो सिलाई सीधा उल्टा करते हुए बनाई है उसके बाद शोल्डर को मैंने आपस आप में जोड़ दी है तो इसकी जो गैपिंग है इतना ज़्यादा नहीं आया है एक ही कलर से बस थोड़ा सा इसमें गैपिंग के लिए मैंने ये बनाई है उसके बाद आ जाइए इसकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड का पल्ला है उस पर इसमें आपको ये देखिए बटन पट्टी जो हम बनाएंगे ये राइट uh, साइड right का पल्ला है इसमें हम स्टार्टिंग से बटन पट्टी बनाएंगे और लेफ्ट साइड के पल्ले में हम लास्ट में ये बटन पट्टी बनाएंगे और बटन पट्टी बनाने ये जो लेफ्ट साइड का पल्ला है इसमें जब हम बटन पट्टी बनाएंगे तो कम से कम चार या छः स्लाइड स्टार्टिंग में बनाने के बाद ये इस तरीके से बटन होल बनाएंगे बटन होल आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बना सकते अगर बटन आपकी बड़ा है तो आप बड़ा होल बनाइए अगर छोटा है तो आप छोटा होल बनाइए और उसके बाद इसकी जो गैपिंग हम देंगे देखिए यहाँ पर इंसी टेप से मैं आपको दिखा रही हूँ लगभग दो इंच या ढाई इंच आपको इसकी गैपिंग देनी है उसके बाद एक बटन होल यहाँ पर बनानी है तो बराबर बराबर हिस्से में आपको यहाँ पर साथ साथ बटन होल भी बनानी है और जब आप ये लेफ्ट साइड का पल्ला बनाएंगे तब आपको बटन पट्टी बनाने के लिए अलग से उनका गोला लगाना पड़ेगा अगर आप डबल कलर से बना रही है और अगर आप सिंगल कलर से बना रही है तो आप एक ही गोले में इसको बना सकती है तो ये मैंने अलग से गोला लगा के फिर इसमें ये बटन पट्टी बनाई है डिजाइन की जो गोला है वो अलग था और उसके बाद इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे लंबाई कंप्लीट करने के बाद देखिए ये सीधी साइड से पहले हम तीन पंदे कटाएंगे मुद्दे के लिए उसके बाद गले के लिए भी सीधी साइड से मैंने कटिंग की है आप चाहे तो इसमें उल्टी साइड से भी कर सकती है लेकिन मैंने यहाँ पर दो का एक कर दिया सीधी साइड से तो यहाँ पर एक फंदा कटाया फिर यहाँ से दो फंदे कटे मुद्दे के लिए फिर गले के लिए एक फंदा लगातार हमने तीन फंदा कटाया जैसे हमने इस पल्ले में की है उसके बाद इसी तरीके से जो है दो दो सिलाई की गैपिंग देने के बाद एक एक फंदा मैंने कटाया है और टोटल सोलह फंदे है शोल्डर के और उसके बाद इसमें मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर दी है ये दो सिलाई बनाने के बाद लाइट पिंक कलर से उसके बाद मैंने ये शोल्डर ज्वाइन किया है और उसके बाद ये जो बटन पट्टी है हमें साथ साथ लेते हुए जानी है फिर ये बैग गले के लिए पट्टी हमें थोड़ा सा अलग से बना के जो भी आपने डिज़ाइन इसमें डाली है उसको फॉलो करते हुए आपको ये बैग गले की जो पोर्शन है इसको भरने के लिए इसको आधा आधा हाफ ऑफ करते हुए इसको बना लेनी है अलग अलग करके ये वाला पट्टी और उसके बाद सुई से या फिर आप चाहे तो सिलाई से भी जोड़ सकते हैं वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में बता दूँगी कि हम गले की पट्टी सिलाई से कैसे जोड़ेंगे तो ये मैंने फिलहाल सुई से जोड़ा है और ये जो यहाँ पर है ये मैंने सिलाई से जोड़ा है तो इस तरीके से गला बन के कम्प्लीट हुई है अब आ जाइए इसके स्लीप में स्लीप जो है दोनों सेम बनते हैं दोनों बाजू सेम बनती है तो मैं आपको थोड़ा सा मेजरमेंट इसमें बता देती हूँ देखिए ये जो बॉर्डर में मैंने फंदे डाले है थर्टी एट फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हैं और सेम उतना ही बॉर्डर बनाया है जितना मैंने इस पल्ले में बनाई है और सेम डिज़ाइन है डिजाइनर बॉर्डर है और इसकी जो डिज़ाइन है बॉर्डर की वो सेम है और उसके बाद इस डिज़ाइन को मैंने फॉलो किया है और यहाँ पर बॉर्डर के बाद सीधी साइड से जो प्लेन सिलाई बनती है मेरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सीधा उल्टा उसमें मैंने छः फंदे थोड़ी थोड़ी गैपिंग में इसको बढ़ा दिया है यहाँ पर स्टार्टिंग में एक फंदा फिर यहाँ पर एक फंदा फिर यहाँ पर एक फंदा इस तरीके से करते हुए मैंने एक सिलाई में बढ़ा दिया उसके बाद मैंने से सिलाई की गैपिंग दी फिर एक फंदा दोनों साइड से एक एक करके बढ़ाया इस तरीके से शेप आने के लिए देखिए यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ाएंगे इस साइड भी एक फंदा तो इस तरीके से करते हुए छः सिलाई की गैपिंग देंगे उसके बाद एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे और लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकती है और फंदे बढ़ाते बढ़ाते इसके जो टोटल फंदे होंगे कम से कम आपके यहाँ पर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स तक फंदे आपके यहाँ पर होने चाहिए जितना आपने पल्ले में डाला है उतना ही लगभग होना चाहिए इससे कम नहीं सिक्सटी से ऊपर आपके यहाँ पर स्लिप में फंदे होने चाहिए और उसके बाद इसकी हम गुलाई करेंगे देखिए जो कटिंग है वो करेंगे और अगर लेंथ में आपको दिखाथ इंच ऊपर थोड़ा इंच है वो बढ़ती गई है फंदे के हिसाब से और लेंथ जो है यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से शोल्डर से देखेंगे तो टोटल बारह इंच इसकी लंबाई कंप्लीट हुई है टोटल लंबाई अगर हम यहाँ से देखें देखे जहाँ से हमने कटिंग की है यहाँ से ये दस इंच देखिए लगभग साढ़े दस इंच है और इसमें मैं कटिंग जो किया है वो मैंने तीन दो एक ही किया है दोनों साइड से और बाकी जितने फंदे बचते हैं उसको मैंने एक एक करके निकाल दी है आ, सारे फंदों को एक ही सिलाई में आपको निकाल देनी है और डिज़ाइन के हिसाब से मैं अगर बताऊँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद जो आठवीं डिज़ाइन की दो सिलाई है वो बनाई है उसके बाद मैंने ये वाला कटिंग स्टार्ट किया है इसी तरीके से आपको दोनों बाजू तैयार कर लेनी है और अब आ जाए इसकी कैप की कैप को भी मैंने आपको डिटेल्स में बताई है वो मैंने बड़ा साइज बनाई है इसमें मैंने छोटा साइज़ बनाई है बस प्रोसेस सेम है फंदे का थोड़ा सा फर्क है उसमें मैंने ग्यारह फंदों से स्टार्ट किया था जो मैंने आपको पहले बताई है वो छः से लेकर आठ साल तक का था और ये एक से लेकर दो साल तक का है तो मैंने यहाँ से नौ फंदे से स्टार्ट किया है ऊपर से इसको बनाते हुए मैंने ये नीचे तक कम्प्लीट की है पर मैंने नौ फंदे से इसको स्टार्ट किया है और फिर इसको जैसे मैंने उस वाले कैप में बताई है वैसे ही फंदे बढ़ाते हुए कम से कम आपके ये ग्यारह से बारह होने चाहिए गैपिंग उसके बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं तो इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए हम आएंगे और टोटल फंदे बढ़ाने के बाद इसमें जो टोटल स्टिच होगी फंदे होंगे वो एटी एट फंदे मेरे इसमें हैं अगर आपको इससे बड़ा बनाने हैं तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इससे भी बड़ा बना सकते हैं और उसके बाद मैंने इस डिज़ाइन को डाली है देखिए डिज़ाइन मैंने एक दो तीन चार चार डिब्बी डाली है और इंच टेप से अगर देखें देखिए यहाँ से आ तक लगभग छः इंच है बिल्कुल बॉर्डर तक ये छोटे बच्चे का है बड़ा भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हैं और अगर यहाँ से देखिए देखिए ये ऊपर से बिल्कुल नीचे तक लगभग नौ इंच इसकी लंबाई मैंने कंप्लीट की है और ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए चार डिज़ाइन की डिब्बी डाली है उसके बाद मैंने ये वाला बॉर्डर डाली है जो बॉर्डर आपने पल्ले में डाली है वही बॉर्डर आपको यहाँ पर डाल लेनी है और बॉर्डर की जो लेंथ है वो आठ सिलाई मैंने बनाई है आप चाहे इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी बना सकती है और उसके बाद जितने फंदे थे वो मैंने एक ही सिलाई में इसको एक एक करके निकाल दी है उसके बाद रॉन्ग साइड से मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई कर दी है सिलाई स्वेटर में जैसे की है वैसे ही हम इस यहाँ पर करेंगे जो भी जिस कलर से है उसको हम उसी कलर से सिलेंगे जैसे ये क्रीम कलर से है इसको हमने क्रीम कलर से सिला है उसके बाद ये पिंक कलर से है तो ये मैंने पिंक कलर से सिल दिया है तो इसी तरीके से मैंने ये वाला कैप भी सिल के तैयार कर ली है और स्वेटर भी हम ऐसे ही सिलेंगे स्वेटर जो है दो तरीके से आप सिल सकती हैं या तो पहले स्लिप लगा लीजिए उसके बाद एक साइड से सिलाई स्टार्ट करके पूरा यहाँ लास्ट तक बॉर्डर तक कंप्लीट कर लीजिए या फिर आप चाहे तो पल्ले को अलग से सिल दीजिए स्लिप को भी अलग से सिल के फिर अंदर की तरफ डाल के उसको बस थोड़ा सा ध्यान से ताकि सीधा उल्टा जो पोर्शन है वो सही से आए उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे सिलाई आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे यहाँ पर इसको कर सकती हैं तो देखिए मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बता दी है इसी तरीके से इसी प्रोसेस से सेम फंदोज से आप जो है बॉयज़ के लिए भी बना सकती हैं और अगर आप ये वाला कार्डिगन नॉर्मल ऊन से बना रही है जैसे बर्दमान की आ, सिंगल तार वाली जो ऊन होती है या फिर ओसवाल की सिंगल तार वाली जो ऊन होती है उससे बना रही है तो यहाँ पर आपको फंदे ज़्यादा लेने हैं बॉर्डर में क्योंकि ये इस तरीके का ऊन में मैंने बनाई है थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ ये देखिए ये जो तीन तार वाली ऊन होती है ट्रिप्ले ऊन इससे मैंने बनाई है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और फंदे जितना भी आप इसमें कम डालें ये बिल्कुल जो ये स्ट्रेचेबल होती है इसमें हार्ड नहीं बनता है बिल्कुल सॉफ्ट बनती है तो इसलिए मैंने फंदे कम लिए हैं अगर आप सिंगल तार से इसको बना रही है सिंगल वाली ऊन से तो उसमें आपको थोड़ा सा फंदे ज़्यादा लेना पड़ेगा बॉर्डर के लिए सत्तर फंदे डाल लीजिए या फिर सेवेंटी फाइव फंदे डाल लीजिए वो आपके ऊपर है आपके बच्चे के हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा मेजरमेंट जो है देखी जाती है ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज का जो बच्चा होता है उस हाइट भी और हेल्थ भी उससे अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट बताई है बाकी बच्चे की हेल्थ और हाइट पर भी डिपेंड करती है क्योंकि एक साल तक का बच्चा भी जो है थोड़ा बड़ा और हेल्दी होता है तो वो मेजरमेंट थोड़ा जो है बदल जाती है और ये दुबला पतला बच्चा है तो इतना काफ़ी होता है तो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए और यहाँ पर मैंने जो सलाई यूज़ की है वो बॉर्डर में मैंने दस नंबर लगाई है ऊपर मैंने नौ नंबर से इसको बनाई है कैप में भी मैंने स्टार्टिंग से नौ नंबर से यहाँ तक बनाया है उसके बाद ये वाला बॉर्डर मैंने दस नंबर से बनाई है तो मैंने बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताई है और इसमें लगभग ऊन जो लगी है वो तीन सौ ग्राम से थोड़ा ज्यादा लगी है मैंने इसको नापा नहीं है कितना है क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट जो है सेम कलर से तीन प्रोजेक्ट बने हैं तो उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कि इसकी जो टोटल ऊन मेरी है कितना इसमें यूज हुई है वो मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहाँ से भी देख सकती हैं और इसके साथ मैंने एक बड़ा कार्डिगन भी बनाया है इसकी भी मैंने वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है बिल्कुल बॉर्डर से ले टोटल जितना पल्ला इसमें बने है वो बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश की है आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं ये वाला कार्डिगन छः से लेकर आठ साल तक की बेबी गर्ल्स के लिए है इसके साथ मैचिंग कैप भी है थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये देखिए सेम प्रोसेस से मैंने कैप भी बनाई है देखिए तो मैंने दोनों स्वेटर आपको दिखा दी है ये मैं ऑर्डर का भी लेती हूँ अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको स्वेटर वगैरह ऑर्डर करनी है तो वो भी आपके अकॉर्डिंग मिलेगी आपको आप अपने अकॉर्डिंग साइज कलर ऊन अपने साइज़ का आप खुद दे सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में क्योंकि हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ऑर्डर मिल जाएगी तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये किया है अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप मैसेज कर सकती है और अगर आपको कोई फोटो वगैरह सेंड करनी है तो वहाँ पर भी आप सेंड कर सकती है जो भी प्रोजेक्ट आपको सीखना है तो आप वहाँ पर फोटो सेंड कर सकती है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला बेबी सेट पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये वाला बेबी सेट कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ इस दौम याद रखिएगा थैंक यू